खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुढ़नपुर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड आजमगढ़ शाखा बुढ़नपुर का शुभारंभ आज किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में जयप्रकाश पांडे जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामुग्रह सिंह संचालक जिला सहकारी बैंक रहे। सुरेंद्र प्रताप सिंह सहकारी संघ कोयलसा ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम के व्यवस्थापक इंदल वर्मा रहे। कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए जयप्रकाश पांडे जिला सहकारी बैंक ने बताया कि सरकार की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके नेतृत्व में पूरे भारत में सहकारी बैंकों में सुधार हुआ। जहां हमारी शाखा जीर्ण स्थिति में पड़ी हुई थी, छतों से पानी टपक रहे थे, लोग परेशान थे, अभिलेख कागज सब खराब हो रहे थे। ऐसी स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में सहकारी बैंकों का जो मकान था उसको ठीक कराया गया, नई जगह पर लाया गया, वहीं कंप्यूटरीकृत हुआ लेन देन को स्वच्छ व सुथरा बनाया गया। इस मौके पर बबल सिंह, कंत विजय सिंह संचालक LDB, राणा प्रताप सिंह, राकेश शर्मा, जंग बहादुर सिंह, सुनील पांडे, लक्ष्मण गुप्ता, सरोज मिश्रा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आप अपना नाम पद परिचय बताएं। मैं जयप्रकाश पांडे जी, चेयरमैन जिला सहकारी बैंक जी। आज कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं। आज ये संस्था हमारी जो हमारी ब्रांच थी जी, वो एक बड़े जीर्ण शीर्ण कमरे में थी। आज पुनः एक संघ की जो अपनी सहकारिता की बिल्डिंग है जी, उसमें हम लोगों ने प्रयास करके उसमें सही जगह स्थानांतरित किए हैं। यहाँ जनता को आने जाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी और नए ढंग से हम लोगों ने इसको सुचारू ढंग से चलाने के लिए पूरा व्यवस्था किया है। यहाँ सारे गणमान्य नागरिकों को बुला करके बैंक के हित में कैसे बैंक को चलाया जाए बढ़िया से, कि फिर से हम अपना विश्वास हासिल करें और यह बैंक सहकारिता के क्षेत्र में आप प्रतिदिन इसका योगदान रहा है। निचले पायदान पे जितनी भी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, यह बैंक ही आज तक समाज को देता रहा है। सबसे कम ब्याज पे हम लोगों को ऋण देते हैं, मुहैया कराते हैं और देश के इतिहास में पहली बार सहकारिता विभाग किसी विभाग से अलग हट करके आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बनाया गया और पहला इस देश के सबसे सशक्त ताकतवर मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इसके बनाए गए। उनसे जनता को, सहकारियों को एक नई ऊर्जा मिली है और अब जो पैसा हमारा केंद्र सरकार हमें देगी उसी देख सहकारिता के विकास के उद्भव और उन्नयन उत्कर्ष के लिए ही आएगा और आगामी कुछ दिनों में ही यह बैंक और पूरा सहकारिता क्षेत्र अपने आप में जनता के दरवाजे तक दिखने लगेगा। ये